5 अगस्त का दिन सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। राम की नगरी इस ऐतिहासिक मौके के लिए सजकर तैयार है, सुरक्षा का खास प्रबंध किया गया है। पीएम मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो 5 अगस्त सुबह करीब 9:35 पर वे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से 11:30 अयोध्या के साकेत कॉलेज पहुँचेंगे। पीएम मोदी 12:15 पर रामलला परिसर में कल्प वृक्ष यानी परिजात का पौधा लगाएंगे। उसके बाद 12:30 से ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आएंगे। अयोध्या में SPG ने सुरक्षा संभाल ली है। अयोध्या की सीमा सील कर दी गई है। 5 अगस्त तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो साथ में पहचान पत्र जरूर रखें। राम मंदिर के भूमि पूजन में सिर्फ 175 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी अयोध्या में 137 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी निमंत्रण दिया गया है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर भाजपा को मजबूत बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी और जोशी जी से फोन पर बात की गई है, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। उन्होंने खुद आने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि आयु की वजह से यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से भी ना आने का आग्रह किया गया है। भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में शामिल ना होने का फैसला लिया है। अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने इसकी जानकारी खुद अपने ट्विटर पर दी है। बीजेपी नेता उमा भारती ने इस संबंध में न्यास के अधिकारियों और पीएमओ से अपील की है कि वो समारोह के लिए आमंत्रितों की सूची से उनका नाम हटा दें। उमा भारती ने बताया कि वे सरयू किनारे रहकर ही कार्यक्रम की गवाह बनेंगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। साथ ही अन्य प्रमुख संतों को बुलाया गया है। सभी को मंगलवार रात तक ही अयोध्या पहुंचना होगा। मंगलवार को ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच गए हैं। यहां से वे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। गुजरात के 7 संतों को भूमि पूजन का न्योता मिला है। सभी संत अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। इस खास मौके पर देश के अलग अलग 2000 पवित्र स्थानों से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचा है। 100 से अधिक नदियों का जल अयोध्या लाया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान 9 शिला के पत्थर रखे जाएंगे। 9 शिलाओं का पूजन पीएम मोदी के हाथों होगा। 9 शिला 1989-90 के दौरान राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हैं। इन 9 शिलाओं में से 1 शिला को गर्भगृह में रखा जाएगा। बाकी 8 अन्य स्थानों पर 9 शिलाओं का इस्तेमाल नक्शा पास होने के बाद मंदिर निर्माण के वक्त किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर सिर्फ 5 लोग ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास मंच पर रहेंगे। इसके अलावा कुल 175 विशिष्ट लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसी बीच भगवान राम की हरे रंग की पोशाक पर विवाद हो गया है। इस बारे में चंपत राय ने कहा कि इसका श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से कोई रिश्ता नाता नहीं है। चंपत राय ने कहा कि कुछ लोगों ने रामलला के हरे वस्त्र पहनने पर सवाल उठाए हैं। ये तो परंपरा से होता आया है। ये पोशाक पेड़ों की हरियाली का प्रतीक है। इस्लाम से इसका कोई संबंध नहीं है। हरी साग सब्जी क्या इस्लामी खाना है? ये तो भारत और दुनिया की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। चंपत राय ने कहा कि पुजारी तय करते हैं कि भगवान राम के लिए किस दिन किस रंग के कपड़े होंगे। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।